अच्छा जी, ब्लेस्ड मुस्लिमा जी, वेलकम है, आपका स्वागत है सर। अभी भी आप मुस्लिमा हैं या छोड़ दिया आपने इस्लाम? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ और इंशाल्लाह मुस्लिम ही रहूंगी। चले, माशाल्लाह जी, मुबारक हो आपको इस्लाम। अच्छा, तो ये आज आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने आपकी स्ट्रीम सॉरी नहीं देखी अभी, मैंने ना ना अभी जी, अभी टॉपिक ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, टॉपिक तो देखा होगा ना ज्वाइन करने से पहले, टाइटल नहीं, तो पढ़ा टॉपिक होगा। भी नहीं देखा, लिटरली मैं आपको देखती ही नहीं और सिर्फ सुना है आपके बारे में, तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो एक्चुअली मैं आपसे ये कुछ जी आज का हमारा टॉपिक जो है सिंपल है, क्या उसामा बिन लादिन सच्चा मुसलमान था या है? वो तो अब अल्लाह ही फैसला कर सकता है कि कौन आपके सच्चा मुताबिक, मुसलमान आपके है कौन। मुताबिक जी आई डोंट नो, इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं कुछ ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, थोड़ा लेकिन सा मैं बताओ आपके जी है थोड़ा सा उसामा बिन लादिन के बारे में, क्या क्या आपकी क्या सोच है? आई कैन नॉट सेव इन आवर वर्ड, आई डोंट नो। थिंक अबाउट इट, आपने इतना बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है, इतना बड़ा हिस्टोरिकल बंदा है, उसके बारे देखें में कुछ ना कुछ तो हिस्टोरिकल आपको पता अगर होगा इवेंट ना। की बात करें तो आप माशाल्लाह से बड़े आलिम फाजिल बनते हैं, या मे भी आप हो, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री से रिलेटेड आपने भी बहुत बड़ी मिस्टेक की है। इब्ने बुरहान और बुरहानुद्दीन की जो आपने वीडियो बनाई थी और आपने पूरी उनकी हिस्ट्री गलत बताई है मैंने तो जी, बनाई ही नहीं बुरहानुद्दीन के बारे में कोई वीडियो, आपने कहाँ पे आपने देखी ही बनाई है बुरहानुद्दीन? और आपकी करेक्शन भी किसी ने की है, और आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी यकीनन। मैंने नहीं देखी, एक तो बुरहानुद्दीन के बारे में मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, ठीक है। ओके और अगर कोई मेरी बात के बीच में से कोई एक आधा छोटा सा पॉइंट लेके पूरी वीडियो बना लेता है सिर्फ मेरे नाम के ऊपर, लोगों से पॉपुलैरिटी लेने के लिए, तो उसके ऊपर मुझे नहीं, देखें कोई परवाह नहीं है। पॉपुलैरिटी वो नहीं ले रहे क्योंकि वो कुछ भी नहीं ले रहे, ले रहे ना कुछ पॉपुलैरिटी, ले ही नहीं रहे ना, जो ले रहा है वो ही इस तरह की वीडियोस बना सकता है। बहरहाल खैर, तो मैं आपको कहना चाह रही थी कि हिस्ट्री से रिलेटेड तो बहुत से लोग जो अपने आप को बहुत हाई फाई समझते हैं मुफजल के एतबार से, वो भी गलत होते हैं, तो फिर मैं मैं तो अभी एक बहुत हिस्ट्री की आम बात से नहीं ना कर बनकर रहा, हिस्ट्री की मैं बात ही अभी नहीं कर रहा, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री वो है कि जो आप लोगों ने किताबों से पढ़ी, ये तो आपकी अपनी जिंदगी हयात के अंदर अंदर हो रहा है सारा कुछ, उसकी जी बात मैं कर बिल्कुल रहा हूँ कि ये जो आपकी जिंदगी के दौरान आपने एक इतना बड़ा इवेंट देखा और इस बंदे के कुछ हरकत और सिकनात देखी, आपके मुताबिक ये बंदा सच्चा मुसलमान था या नहीं? हाँ। देखें ये बात तो अल्लाह ही बता सकता है, लेकिन हम इतना ये है कि हम जांच सकते हैं किसी को उसके अमाल के अदबार से, ठीक है। जी अब हमें नहीं पता कि उनको किस तरह से पोर्ट्रेट किया गया है हमारे सामने, इस तरह की जो चीजें होती हैं बहुत सारी जो है ना गलत इंफॉर्मेशन मिलाकर सामने लाई जाती हैं। हम उन लोगों के बारे में कह सकते हैं जो बिल्कुल हमारे साथ हो, हमारे सामने हो। चले, अब उसका जो वो इवेंट है, उसका जो इवेंट है कि वो लड़ाइयां कर रहा था अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में बैठ के, उनको आप इस्लामिक समझती हैं कि नहीं? देखिए, अगर वो इस्लाम को डिफेंड कर रहे थे, अगर कोई इस्लाम पर हमला करता है फॉर एग्जाम्पल, या मुस्लिम्स पर, और अगर वो डिफेंड कर रहे हैं इस्लाम को, तो इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज टोटली और राइट। नो अगर वो ऑफेंसिव बैटल कर रहे हैं इस्लाम को नो जीतने के लिए, तो नो मेरे ख्याल से कोई मुस्लिम ऐसा नहीं करता, हमेशा आप मुस्लिम्स को देखेंगे, कोई मुसलमान ऑफेंसिव बैटल नहीं करता आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक नहीं, आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, हमेशा आप देखेंगे कि रिएक्शंस आते हैं मुस्लिम्स की तरफ से, एक्शंस कोई और करता है, फर्स्ट एक्शन होता है तो ऑब्वियसली रिएक्शन तो होगा। आप कितनी श्योर हैं इस बारे में कि कुरान और हदीस आपको ऑफेंसिव बैटल के बारे में नहीं कहता? कोई आर यू कितने परसेंट श्योर हैं आप? आई एम 100% श्योर, आर यू 100% श्योर? ओके, कुरान यस, आपने उर्दू में पढ़ा या हिंदी में पढ़ा? मैंने कुरान अरबिक पे पढ़ा है, जो कुरान की असल लैंग्वेज है उसी में पढ़ा है मैंने, और अरबिक आपको पढ़नी और समझनी आती है? नॉट मोर, लेकिन यह है कि बेसिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ सकती हूँ चले, बेसिक ये ले चीजें। पकड़े, आपके सामने एक आयत रख दी है मैंने, इस आयत को जरा पढ़िएगा और मुझे समझाइएगा ये। वली आलम الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو بس نعلم यहां तक, पहले यहां तक तोए आ गया ना, तोए का साकिन है ना यहाँ पे, तो इस तोए के साकिन जी तक जरा मुझे ट्रांसलेट करके बताएं क्या कह रहा है कुरान।
देखिए मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं ट्रांसलेट खुद से कर सकती हूँ, मैंने कहा जो कुरान के बेसिक जो है ना अहकामात वगैरह या इबादत से रिलेटेड जो भी अच्छा, अहकामात अब मैं आपको बता देता हूँ। हैं। अब मुझे आप बता दें कि आपने कुरान की ट्रांसलेशन उर्दू में पढ़ी है या हिंदी में पढ़ी है? मैंने उर्दू में पढ़ी है लेकिन ओके, ओवरऑल उर्दू में पढ़ते कुरान हैं, की उर्दू में पढ़ी। पढ़ते हैं, जी कोई मसला नहीं, उर्दू में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं। नहीं, ये दो उर्दू की ट्रांसलेशन है, आप जरा पढ़िएगा और मुझे भी समझाइएगा, तोए तक, तोए के साकिन तक प्लीज। ओके और मुनाफिक कौन? वो मुनाफिक के जब इनसे कहा गया आओ अल्लाह की राह में जंग करो या कम कम अज कम अज कम अपने शहर की मुदाफियत ही करो। देखिए यहाँ मुदाफियत जरूरी यहाँ पे आपके पास दो चीजें आएंगी, एक अटैक करना, दूसरा डिफेंड करना। सबसे पहले बात हुई हुई है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अटैक करने की, और फिर कहा गया कम अज कम अगर तुम अल्लाह की राह में जाके लड़ाई नहीं ना करते तो कम अज कम डिफेंसिव लड़ाई तो जरूर करो। तो दोनों चीजें यहाँ पे आई हुई है कि डिफेंड करना एक कम अज कम चीज है, बेयर मिनिमम है कि बेयर मिनिमम इस्लाम की डिफेंस में लड़ाई करो, लेकिन मेजर चीज क्या है, आगे से बढ़ के जिहाद करो। ये आपकी कुरान की आयत कह रही है, जो उनसी तफसीर कहेंगे हम वो खोल सकते हैं इसके लिए, लेकिन जी तफसीर में अब जाने की जरूरत क्या है, सुने। इतनी क्लियर आयत है। ओके ओके आप मेरी बात सुने। आपको पता है जिहाद किन हालात में जो है वो फर्ज या वाजिब होता है, कुरान कब की आयत जिहाद दे दे, का आप हुक्म कुरान की आयत दे दे, मैं देख लेता हूँ। है? देखिए हर बात तो कुरान शरीफ की आयत से नहीं हो सकती। हदीस दे दे, मैं वहां से देख लेता हूँ। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम देखते हैं ना, ओके, सुन्नत तो देखनी है, सुन्नत हुजूर देखे, सुन्नत और हदीस दो चीजें हैं, राइट। सुन्नत के जी मुताबिक आ हजूर ने तबूक के ऊपर अटैक क्यों किया, 1000 किलोमीटर दूर तबूक के ऊपर अटैक क्यों किया, वहां पे 1000 किलोमीटर दूर मोहम्मद के साथी गए, मोहम्मद गया, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वहां वसल्लम गए। पे जी किसी किस्म का डिफेंस नहीं हो रहा, यहाँ पे आप आगे से बढ़ के अटैक कर रहे हैं। तबूक से कभी भी एक बंदे ने भी आके इधर अटैक नहीं किया, एक बंदे ने भी नहीं आके अटैक किया। आप लोग के सहाबा इकराम और मोहम्मद साहब 1000 किलोमीटर दूर तबूक लड़ने क्यों गए, इसका जवाब देते। देखें वाकई तबुक की आप बात कर रहे हैं, तो इससे पहले कि आप हालात देखें पहले रब देखना होता है ना हर बात का, आगे पीछे मा कबल। इससे पहले जो हालात थे आपको ये पता होगा कि मुनाफिकीन और काफिर काफिर वगैरह जो हैं वो मुसलसल हमला कर रहे थे ठीक है इस्लाम मुनाफिक पर। कौन है? और मुनाफिक जो बजाहिर तो मुसलमान होते हैं लेकिन अंदर से वो भी है ना इस्लाम के दुश्मन ही होते हैं, और अभी बहुत से लोग नहीं ऐसे नहीं हैं। नहीं ये आपको आयत बता रही, मुनाफिक कौन, दोबारा पढ़े आयत, और मुनाफिक कौन, दोबारा आयत पढ़े, दोबारा आयत पढ़े, मुनाफिक कौन है? मुनाफिक की डेफिनेशन कुरान में दी हुई है, आप मुझे अपने पास से क्यों डेफिनेशन दे रही हो? आयत पढ़े। एक मिनट यहाँ हाजरा स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं, ये स्क्रीन वही है जो भी आपने पढ़ी है। और मुनाफिक कौन, अल्लाह मियां बता रहे हैं, मुनाफिक कौन, जो अल्लाह की राह में मुनाफिक वो जिहाद नहीं जी करते और जी जी डिफेंस भी जी नहीं करते, अच्छा वो मुनाफिक है, जो अब सुने जिहाद नहीं करते और आप डिफेंड भी नहीं मेरी करते वो मुनाफिक है। आपने अपनी नहीं डेफिनेशन क्यों दे दी? बिल्कुल बेशक ये बात है। तो जिहाद कौन नहीं करता था आपको ये पता है? जिहाद वही लोग नहीं करते थे। अगर आप वाकई तबुक का ही अगर आप देख रहे हैं तो असल जो है ना वाकई तबुक में तीन जो है सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने शमूलियत नहीं की थी लेकिन बहुत सारे मुनाफिकीन ऐसे थे जो शामिल नहीं हुए थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे तो नाराज नहीं हुए थे ना, लेकिन जो सहाबाए कराम थे उनसे नाराज हुए थे क्योंकि हुजूर को तो पता ही था कि ये तो है मुनाफिक। और मुनाफिक उन्हीं को कहते हैं, देखे वो बजाहिर उस वक्त ये शो कर रहे थे कि हम मुस्लिम हैं लेकिन वो जंग के वक्त पीछे हट गए, यानी कि उन्होंने अपना ही फायदा सोचा। तो वही बात आ गई ना कि वो बजाहिर मुस्लिम बन रहे थे लेकिन जब उनके अपने फायदे की बात आई या अपने ओके, तो नुकसान की बात मुनाफिक आई। वही हुआ ना जो जिहाद नहीं करता। सिस्टर जी, इतनी लंबी कहानी देते हैं आप लोग, पता नहीं यार मुझे समझ नहीं आती लोग इतनी लंबी लंबी कहानी क्यों देते हैं। ओके, सो मुनाफिक वो है देना जो पड़ती ना अल्लाह की आप राह में जिहाद नहीं करता, वो मुनाफिक है, करेक्ट, देखें बगैर किसी अब उजर के, आप बगैर किसी उजर के, मैं क्लियर कर देता हूँ, स्टेटमेंट पूरी हो जाए, बगैर किसी उजर के, यानी कि अगर वो बीमार नहीं है या उसके घर में कोई बूढ़े माँ बाप नहीं, बगैर किसी उजर के अगर वो जिहाद पे नहीं निकलता मोहम्मद के साथ लड़ाई करने के लिए, तो वो मुनाफिक है, करेक्ट। अच्छा अब आपने हदीस सुनी इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये तो बहुत जी जी मैंने एक सुनी है, नियत को कोई नहीं जानता, लेकिन बात यह है कि मुनाफिक की डेफिनेशन क्या है वो हम देख रहे हैं कुरान और अहदीस की रूह से। क्या आप मान गई हैं इस बारे में कि अभी भी नहीं मानी है? आप ये कह रहे हैं कि बगैर किसी उजर के विदाउट एनी यहाँ के रीजन अगर कोई जंग वगैरह में हिस्सा नहीं लेता तो वो मुनाफिक है कुरान लेकिन कह रहा, हम मैं नहीं कह डायरेक्ट रहा, ये कुरान कह रहा, एक सीन कुरान कह रहा है,
जी कुरान शरीफ कह रहा है, लेकिन सिर्फ कुरान शरीफ की एक इतनी सी आयत को आप बेस बनाकर चलें ठीक है, लेकिन आप हदीस वगैरह को नहीं मानते, कौन से हदीस मैं में ये बात मानता हूँ शुरू भाई, करें आपने कौन मुझे? सी हदीस देनी है, मुझे मसला नहीं है, मैंने तो कहा हदीस नहीं दे दे। आप मुझे किसी एक हदीस से भी ये शो करें, ये साबित करें ठीक है, और क्या किसी एक के मुनाफिक वही हैं जो बगैर किसी उजर के जंग में हिस्सा ये नहीं ले लेते। सुनो, नसाई की सही हदीस है, मोहम्मद साहब बता रहे हैं अबू हुरैरा के थ्रू, कह रहे हैं कि हु डाइज विदाउट हैविंग फॉट, जो मर गया बगैर लड़े और थॉट ऑफ फाइटिंग, या लड़ाई की सोच को रखे बगैर ही मर गया, ही डाइज ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ हिपोक्रेसी, वो मुनाफिकत की एक ब्रांच में मरा। अब देखिए उस वक्त जो दौर था ना हुजूर नहीं अकरम नहीं नहीं सल्लल्लाहु नहीं अलैहि लेकिन वसल्लम आपने कहा था मुझे एक हदीस दे, अब हुज्जत हुज्जत देने की बजाय अब आप भी मुझे हदीस दें, बात तो फिर है ना, मुझसे आप हदीस मांगती हैं, मुझसे आप देखिए कुरान मांगती हैं, अपनी बारी पे आप मुझे मुझे कहानी देती हैं, तो ये तो गलत बात है ना, अब आप भी मुझे हदीस दे के बात रखें, बात तो फिर तब है ना, जब हम मैंने लड़ाई तो कर रहे हैं, जब हम लड़ाई करें तो इक्वेलिटी की लड़ाई होनी चाहिए ना, एक तरफ हुज्जत आ रही है, लॉजिक आ रही है, दूसरी तरफ मुझसे मांग रही है आप कुरान और हदीस। देखिए मुझे इतनी नॉलेज नहीं है ठीक है, इसलिए मैं रीजंस के नहीं नहीं बेस पर बात देखिए कर। नहीं, रीजन नहीं ना, फिर कुरान और हदीस में फिर रीजन नहीं ना आती, जब आप मुझसे जो चीज मांग रही हैं, जिस चीज का मुझसे मुतालबा कर रही हैं, यू हैव टू डू द सेम फ्रॉम योर साइड। फिलहाल तो अभी मैं है ना आपके सामने कोई ऐसी हदीस मेरे माइंड में नहीं आ रही, बहुत सारी हदीसें यकीनन होंगी इस तरह की, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रही चलिए हूँ मैं कि मैं आपको एक ये हदीस दिखाता हूँ, ये मांगी। देखें, ये देखें कुरान की आयत पढ़े, और कितना मजा आएगा, सूरह तौबा की आयतें पढ़ते हैं, पहले मैंने आपको एक और दिखाई थी, अब ये भी पढ़ लेते हैं। इनके दिए हुए माल कबूल ना होंगे कई वजह से, इसके सिवा नहीं कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफर किया है, नमाज के लिए आते हैं तो कसम कसाते हुए आते हैं, और राह में खर्च करते हैं तो बादले ना खास्ता खर्च करते हैं, इनके मालो दौलत और इनकी कसरत औलाद को देखकर धोखा ना खाओ, अल्लाह तो ये जानता है कि इन्हीं चीजों के जरिए से इसको दुनिया की जिंदगी में भी मुबतलाए अजाब करेगा, और ये जान देंगे तो इनका हक ही हालत में होगा, जाहिर हो जाएगा। कुरान इस चीज की गवाही देता है कि मुनाफिक जो है वो कोई भी अमल कर लें, चूंकि वो अल्लाह की राह में जिहाद नहीं किया उन्होंने, अब चाहे वो पैसे दें, चाहे वो नमाजें पढ़ें, किसी भी तरीके से दे आर डन। उसके बाद अल्लाह अल्लाह ताला आयत नंबर 56 के अंदर, यही सूरह तौबा पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 54-55 आपने पढ़ी है, आयत नंबर 56 के अंदर अल्लाह मियाँ कसम खाने को तैयार हो गए, अल्लाह मियाँ कसम खा रहे हैं, अल्लाह मियाँ की कसम खा रहे हैं, और वो खुदा की कसम खा खा के कहते हैं कि हम तुम ही में से हैं, हालांकि वो हरगिज तुम में से नहीं है, असल में तो ऐसे लोग हैं जो तुमसे खौफजदा हैं, ठीक है, और वो लोग खौफजदा हैं, वो लोग जाना नहीं चाहते हैं, वो लोग ये काम नहीं करना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, ये जो लोग हैं जो जंग पे नहीं जा रहे, और वो कह रहे हैं कि भाई जंग पे जाएंगे मर जाएंगे, क्यों मरे हम एक हम अल्लाह के लिए, और हमने नहीं जाना, हम यहाँ पे सेफ हैं, वी आर सेफ हियर, हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, हमारे मालो दौलत भी सेफ हैं, हमारी औलादें भी सेफ हैं, और हम लोग भी सेफ हैं, हम क्यों लड़ाई पे जाएं? तो मुझे बताइए कि अल्लाह मियाँ उनको मना क्यों कर रहा? हेलो जी सॉरी थोड़ी सी है ना बीच में डिस्कनेक्शन हो गई थी, आप अपनी बात जरा रिपीट करेंगे? मैंने कहा कि यहाँ पे अल्लाह ताला उनको क्यों मना कर रहा है कि नहीं तुम लोग पागल हो, तुम लोग मुनाफिक हो, तुम लोग ये नमाजें भी कबूल नहीं होंगी, जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग सेफ हैं इस वक्त, हमें डिफेंसिव वॉर की जरूरत नहीं है, हम ऑफेंसिव वॉर में क्यों जाएं? तो यहाँ पे अल्लाह मियाँ उनको क्यों मुनाफिक कह रहा है, क्यों उनके साथ हुज्जत खराब कर रहा है, क्यों उनको कह रहा है कि नहीं नहीं जब तक तुम नहीं जाओगे, तुम मुसलमान नहीं हो, तो तुम्हारी भाई नमाजें भी कबूल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो हालात ऐसे होते हैं ना कि जब जिहाद करना लाजमी होता है, और जब आप इस तरह के हीले बहाने बनाएंगे तो जाहिर सी बात है एक फर्ज चीज जब हो जाती है, आपको पता होगा फर्ज किफाया फर्ज आइन, तो एक ऐसा मामला भी आता है जब जिहाद सब पर फर्ज हो जाता है, और अगर उस वक्त भी इस तरह के बहाने वगैरह वो लोग तराशेंगे तो लाजमी सी बात है अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आएगा, तो ये तो उनके ये मुनाफिक फर्ज का। कफाया है, परफेक्ट, फर्ज कफाया लोगों को शायद पता ना होगा, मैं लोगों को बता दूं फर्ज कफाया क्या है। मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर एक ग्रुप जो है ना वो भी मेरे लिए जहाद करता रहे इस दुनिया के अंदर, ठीक है, तो भी काफी है, सर एक ग्रुप भी जहाद करता रहे तो भी काफी है, ये क्या बात हुई, किधर नहीं ये ठीक गई, ये क्या हुआ है, ये किधर चली गई सिस्टर जी, ओके जी।